हम दो अच्छे हैं, और आज हम आपको कुर्ती में बहुत सुंदर नेक डिजाइन बनाना सिखाएंगे। आप चाहें तो इस डिजाइन को फ्रंट या बैक कहीं पे बना सकते हैं, लेकिन हम इसको फ्रंट में बनाएंगे। और इसकी कटिंग हमने पहले की हुई है कुर्ती की। अगर आपको हमारी कुर्ती कटिंग भी सीखनी है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी कुर्ती कटिंग भी सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके के साथ। और अगर आपने हमें तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बहुत सुंदर तरीके से कटिंग, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। और ये हमारी आस्तीन है डिज़ाइन की, सॉरी कमीज़ की, और ये हमारी कमीज़ है, और ये हमारा जो मेक कलर यूज़ होगा मैचिंग के लिए उसको यूज़ करेंगे हम पिंक कलर का। और ये हमारी बुकन, इसका हम नेक डिज़ाइन काटेंगे। अब हम आपको इसका जो डिज़ाइन से कटिंग करके बताते हैं। और इसके लिए हमने सबसे पहले बुकरम ली है, नॉर्मली जिसकी चौड़ाई है वो 9.5 इंच है, 9.5 इसकी चौड़ाई है। और इसको हम इस तरह से यहाँ से बीच से फोल्ड कर देंगे। इस पर सबसे पहले तो हमने इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें से मार्क लगाएंगे सिंपली इस तरह से। ये मार्क लगाने के बाद जो हमारी जो हमारा डिज़ाइन होगा नीचे का पैटर्न होगा उसकी लेंथ लेंगे हम, उसके जो डिज़ाइन की लंबाई लेंगे हम करीब 6 इंच लेंगे, 6 इंच आपने पे 6 इंच यहाँ पर इंच रखेंगे, यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएंगे 6 इंच पर। और इसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके बाद जो हमारी ब्रॉडनेस है उसका मार्क लगाएंगे हम 6 इंच पर, 6.5, 3 इंच, इसके 6 इंच हम ब्रॉडनेस रखेंगे। नॉर्मली आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग कमी या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल साइज़ है तो हम इसमें नॉर्मल ब्रॉडनेस लेंगे हम। अगर आपका साइज छोटा है तो आप इसको कम कर सकते हैं, बड़ा है तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मार्क लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब जो हमारे गले की लेंथ है वो 7 इंच है, 7 इंच, तो हम इसको गले की जो लेंथ है यहाँ से लगाएंगे, इसका हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7.5 इंच पर ऐसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जो हम अपने शोल्डर को अटैच करते हैं उसमें आधा इंच हिस्सा हमारा कवर हो जाता है, तो इससे भी हमारा गला छोटा नहीं होगा। और इसके लिए हमने ये नॉर्मली बुकरम ली है, जैसे कि हमारा साइज़ है, यहाँ पे 6 इंच लिया, यहाँ पे 7.5 इंच लिया, तो ये हमारा करीब 14 इंच बैठता है, 14 साढ़े 13 इंच बैठता है। इस हिसाब से हम इसकी जो बुकरम की लंबाई लेते हैं नॉर्मली, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है। अभी हमारा जो उसका ब्रॉडनेस का मार्क हो गया, अब जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन की जो हमारी चौड़ाई होगी यहाँ पर पैटर्न होगा उसकी चौड़ाई लेंगे हम। इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ पर करीब 1.25 इंच चौड़ाई लेंगे इसकी हम, 1.25 इंच करीब, 6 सूत इस तरह से इसकी चौड़ाई लेंगे, जो खुलकर 1.5 इंच हो जाएगी। अब इसको भी हम यहाँ पे ऐसे सीधा कर देंगे इस तरह से, ऐसे सीधा कर देंगे। और यहाँ पर इसको एक चौको एक सॉरी एक त्रिकोणी शेप में इस तरह से, त्रिभुज शेप में इसे इसको यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम करीब मार्क लगाएंगे करीब आधा इंच का इस तरह से, आधा इंच का हमने इस पर मार्क लगाया है। इस मार्क के अकॉर्डिंग इसको ऊपर से यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, और ये हमारे यहाँ से एक एक गिलास नेक की तरह एक शेप बन गई। अब इसको हम कटिंग करेंगे अपने मार्क के अकॉर्डिंग, इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे कट करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर इस तरह मार्क के अकॉर्डिंग से हमने मार्क लगाए हैं ऐसे ही हम इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ, और फिनिशिंग से इस तरह से जैसे हमारे मार्क्स हैं इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। ऐसे हमने इसको कट किया, और जो हमारा ये यहाँ पैटर्न निकला हुआ है इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। और जो हमारा डिज़ाइन होगा वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा, जैसे कि हमारी तो नेक हुई और ये हमारा पैटर्न होगा, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको। अब जो हमारे ये जो हमारी नेक है इसका जो बराबर है चौड़ाई वाला हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा कटिंग करेंगे थोड़ा कम इस तरह से, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे करीब 1.25 इंच चौड़ाई रखेंगे, बाकी इसको पूरे हिस्से को इस तरह से कट कर लेंगे। वही हमारा डिजाइन हुई फिटिंग कंप्लीट। अब हम आपको इसको स्टिच करके बताते हैं कि इस तरह आप इसको बहुत सिंपल तरीके से स्टिच कर सकते हैं। और जो हमारे साइड से जो हमारा यहाँ से पैटर्न बचा है हम इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। आप चाहें तो इसमें जैसे हम अपना ये नेक जो है अपना फ्रंट फ्रंट बनाएंगे, आप इसके लिए जो बैक का जो गला होगा नेक होगा उसको भी वो भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे मार्क लगाना होगा इस तरह से, एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे और इस तरह से एक मार्क हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगाएंगे। इसके बाद जो है ब्रॉडनेस वो इसका मार्क लगाएंगे यहाँ से, यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच इस तरह से, जो खुलकर 6 इंच हो जाएगा। जो हमारे बैक गले की लेंथ है वो रखेंगे हम नॉर्मली 6 इंच रखेंगे, तो 6 का आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 6.5 इंच, 6.5 इस तरह से
यहाँ पर ऐसे मार्क लगाया। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर इसे जो लेंथ हमने गले की लेंथ का ब्रॉडनेस का मार्क लगाया, इसको हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। इसमें आप चाहें तो इसमें आप कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें गोल शेप बनाइए, या फिर चाहे आप इसमें इस तरह से गिलास वाली शेप बनाए, गिलास नेक बनाइए, या फिर चाहे आप इसमें इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके इसमें स्वीट हार्ट बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें गोल शेप बनाएंगे। इस तरह से आप इसमें जो चाहे वो शेप बना सकते हैं, शेप हर तरह की होती है, जो आपको अच्छी लगा उसमें अपना शेप बनाइए। लेकिन हम इसमें क्योंकि जब हमारा डिज़ाइन आगे है तो पीछे हमें अक्सर गोल गोल गला अच्छा लगता है, अगर आगे आपका भी डिज़ाइन है तो इसमें आप इस तरह से ऐसे मार्क लगाएंगे और इसमें हम गोल शेप भी बनाएंगे इस तरह से। ये अपने इसका अपनी शेप का मार्क लगाया है गोल नेक का, और इसको नेक के मार्क के अकॉर्डिंग तो हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे इस तरह से। और जो हमने नेक काटी है पीछे की, इसको हम सिर्फ आपको कटिंग करके बताएंगे, इसको बनाकर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो जो मेन पर्पज़ है वो उसका जो डिज़ाइन बनाने का है, ये मैं आपको इसलिए दिखाया ताकि जो हमारा जो बराबर से जो बुकरम बचती है वो वेस्ट ना हो, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम आपको ये बताएंगे, और अगली वीडियो में आपको इसको भी बताएंगे इस तरह से आप इसको अपने नेक को बना सकते हैं। ये हमारी नेक का गला कटिंग हो गया, अब हम उसको इसको जो हमारा डिज़ाइन है इसकी कट इसकी सिलाई करके बताते हैं किस तरह आप इसको बहुत सिंपल तरीके से स्टिच कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये हमने आपका बैक नेक काटा था, इसको हमें अटैच करना बताएंगे, क्योंकि ये जो हमने इसको पीस काटे हैं अलग अलग पीस हैं, इसको हम पहले जोड़ेंगे इस तरह से, इसको जोड़ ज्वाइंट करते हैं इस तरह से, हम इसको एक ऊपर रखेंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर एक सिलाई इस तरह से ऐसे लगा देंगे इस तरह से। ये सिलाई लगने के बाद ये हमारा नेक जो तैयार हो गया, इसको बनाने के लिए आप चाहे इसको बना सकते हैं। अब हम इसको इसको नहीं बनाएंगे, पहले हम इसको जो हमारे डिज़ाइन इसको बनाएंगे, पहले हम आपको हमने आपको सिर्फ इसको ज्वाइंट करना बताया है। अब इसका जो हमारा नेक है हम उसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। गला बनाने के लिए हमें नेक बनाने के लिए सबसे पहले इसके इसके अकॉर्डिंग कपड़ा चाहिएगा, इसके इसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस हिसाब से, जैसे कि हमारी हमारे डिज़ाइन की शेप है, शेप के हिसाब से सिलाई लगाएंगे चारों तरफ राउंडली। और ये हाफ नेक में सिलाई लगाने के बाद हम इसमें पहले तो यहाँ पर इसकी जो ब्रॉडनेस है उसको नापेंगे हम, यहाँ पर ऐसे मार्क लगाएं ब्रॉडनेस का 6 इंच का हमने इसे मार्क लगाया, और यहाँ पर अपनी नेक को रखकर अपनी सिलाई कंप्लीट कर देंगे इस तरह से जैसे हमने सिलाई लगाई है। और इसकी हमने इसे यहाँ पर ऐसे राउंडली से सिलाई लगा दी, सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे, यहाँ पर करीब 1/2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे इस तरह से, और बाकी पूरे कपड़े को हम इसे काट देंगे इस तरह से। और ये हमने अपना कपड़ा भी इस तरह से काट दिया है यहाँ पूरा। इसके बाद जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देंगे राउंडली इस तरह से, पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हमने पूरे कपड़े को इसे राउंडली ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे, जो बुकरम से ज़्यादा निकला हुआ है तो कट करके हम इसे बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने के बाद इसको अपने नेक को हम इस तरह से दोबारा से फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे फोल्ड करके, यहाँ पे इसे बीच सेंटर में ऐसे एक कट लगा देंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये नेक है इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हमें ऐसे मार्क करके ऐसे हमारा बीच सेंटर हो जाएगा, एक मार्क हमें यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगा देंगे इस तरह से, इससे हमारा एक वहाँ पर एक लाइन बन गई है इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी जो बीच सेंटर होगा बीच सेंटर हमारा यहाँ पर ऐसे होगा। अब इसको हम इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है कुर्ती का हम इसमें अपने नेक को अटैच करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक कट हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे ऐसे, ये हमारा बी सेंटर होगा, और इसको यहाँ पर ऐसे खोल कर अपनी कुर्ती के ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरह से, अपने कट्स को ऐसे मिला लेंगे, हमारा कट से वहाँ पर इसे मिलाया हमने, इसको मिलाने के बाद इस पर हम इसे एक सिलाई इस तरह से लगाएंगे इस तरह से। और ये जो हमारी जो हमारा नेक है इसको हम इस तरह से बैक में रखेंगे ताकि जो हमारा जो ये बैक में सॉरी बीच में रहे, और ये हमारा इधर ना सके ऐसे, यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे हम बीच सेंटर में इस तरह से ऐसे, हमने इसको मार्क लगाया और अपने मार्क्स को इस मार्क पर ऐसे मिला लेंगे, और इस सिलाई को यहाँ पर नीचे तक ऐसे पूरा कर देंगे इस तरह से, हमने स्पेशल लगाई है ताकि जो हमारी सिलाई है करीब बुकरम से करीब 1/2 इंच की दूरी पे ऐसे रहे। इसके बाद हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे इस तरह से, हम इसको भी इसे कट कर देंगे। तो कट करने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे यहाँ पर अपने नेक के यहाँ पर पूरे राउंडली सिलाई लगाएंगे,
ये सिलाई हमें इस तरह से लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई है, हमारी सिलाई जो है वो इस तरह से हमारी बुकरम के ऐसे बराबर में लगे, ना कि बुकरम के ऊपर। उसी तरह से हम अपनी सिलाई को पूरे राउंडली ऐसे कंप्लीट कर देंगे बॉडी फिटिंग के साथ। और इस तरह से हमने अपनी इस तरह अपने नेक में पूरे राउंडली सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से ऐसे कट कर देंगे। यहाँ पर हम कपड़ा इसे कट करेंगे ताकि जो हमारे यहाँ पे कपड़ा है दबा हुआ है करीब आधा सेंटीमीटर करीब कपड़ा रहे, बाकी पूरे कपड़ों में इस तरह से राउंड में राउंडली ऐसे काट देंगे। और इस तरह से हमने अपने पूरे कपड़े को इसे राउंडली से काट दिया। इसको काटने के बाद हम यहाँ पर भी अपने जो हमारे कोने हैं इस तरह से, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे यहाँ पे ऐसे कोने निकले हुए हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ पर इसे कट लगा देंगे। ये कट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है नेक में, ताकि इसका फ़ायदा मैं आपको बताएंगे क्यों हमारे कट लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने चार कोनों पर ऐसे कट लगा दिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर कट लगा दिए हमने। हमने सिर्फ इस पर कट नहीं लगाया, हम आपको दिखाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर इसे कट लगा दिया और हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से बहुत ही आराम से फोल्ड हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे कट नहीं लगाया ये वाला हिस्सा, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नहीं होता। यहाँ पे इस तरह से चुन्नट है झोला आएगा जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम इसको भी हम यहाँ पर ऐसे कट लगाएंगे ऐसे, और अगर हम आपको कट लगाने के बाद उसको फोल्ड करते हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आहिस्ता के साथ ऐसे बहुत ही फोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह से हम इसको अपने पूरे नेक को ऐसे ही कट लगा दिए हमने, हम इसको ऐसे घुमा देंगे। और इस तरह हमने अपने नेक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से ऐसे सेल लगा देंगे ऐसे। जैसे हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाई है और इस तरह से जैसे हमने सिलाई यहाँ पर लगाई है, हमने पूरे नेक पे ऐसे सिलाई लगा देंगे सिंपली, बहुत ही आसान तरीका है। और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी बहुत सुंदर पाइपिंग लगाएंगे पूरे नेक पर। इसके लिए हमने एक पट्टी काटी हुई, पूरी पट्टी करीब 1.5 इंच चौड़ी सी पट्टी काटी हुई है। अगर आपको हमारी सिर्फ पाइपिंग वीडियो बनानी सीखनी है और इसी तरह से आप जिस तरह आप हम अपनी किस तरह अपने नेक पर पाइपिंग बनाते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। हम इसको हमने इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी वाली वीडियो देख सकते हैं। अब इसके लिए हमें जो पट्टी काटी हुई है हम इसको पहले तो यहाँ पे इस तरह से एक तरफ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और पूरी पट्टी को इसे फोल्ड कर देंगे एक साइड सिंगल। और इसके बाद हमने पट्टी इसको फोल्ड कर ली। इसको फोल्ड करने के बाद हमने पट्टी को यहाँ पर इस तरह से नेक पर रखेंगे ऐसे, और इसको इसे यहाँ पे ऐसे घुमाकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस सिलाई को हम इस तरह से लगाएंगे, पाइपिंग वाली सिलाई होगी हमारी, और सिलाई को हम इस तरह से लगाएंगे ताकि जो हमारा नेक है, नेक का जो किनारा है वो करीब इतना हिस्सा इसमें हमारा यहाँ पे कवर हो जाए। आपको सिलाई दिखाई दे रही जो हमारी पहली सिलाई है यहाँ से, ये इसमें हमारा इतना हिस्सा कवर हो जाए। और इसको इस अपने पट्टी को हम इसमें इसी तरह से पूरे नेक पर से अटैच कर देंगे। और इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी को अपने नेक पे इस तरह से अटैच कर दिया, यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने इसको अटैच किया है बहुत फिनिशिंग के साथ। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जैसे हमने इसमें कट लगाया था अपने किनारों पर कोनों पर, इस तरह से जो हमारी पट्टी के इस पर भी हम इसे कट लगा देंगे। इसको हम करीब ऐसे कट लगा देंगे, छोटे छोटे कट लगा देंगे अपने सभी कोनों पर इस तरह से। ये कट लगाने बहुत ज़रूरी होता है, इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब इसके बाद जो हमारी ये पाइपिंग है इसको हम इस तरह से ऐसे इसको घुमाकर ऐसे अपनी बहुत सुंदर पाइपिंग को इसे कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम अपनी पूरी पाइपिंग को इसे बनाएंगे। वो सिलाई में पाइपिंग वाली सिलाई ऐसे इस तरह से लगानी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो बाहर दिखाई ना दे। जो हम यहाँ पर सिलाई लगाए हैं इस तरह से सिलाई लगानी चाहिए ताकि हमारी सिलाई ना तो पाइपिंग के ऊपर हो ना ही इसके पाइपिंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लगानी चाहिए ताकि सिलाई बहुत कम दिखाई दे इस तरह से। और जिस सिलाई हमने इस पर लगाई है इस तरह से अपनी पूरी पाइपिंग की सिलाई को इसे कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह हमने अपने नेक पर इस तरह बहुत सुंदर पाइपिंग इसे लगा दी है। पाइपिंग लगाने के बाद जो हमारा पैटर्न है इसको यहाँ पर इसमें इसको बनाकर यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे। और इस तरह से अपने यहाँ पर इस पीस को लगाने के लिए एक कपड़ा लेंगे मैचिंग का, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये सिलाई लगाएंगे इस तरह से अपनी जो बुकरम के वैसे बिल्कुल बराबर लगाएंगे ताकि जो हमारी जो बुकरम है वो हल्की इसी अपने कपड़े पर ऐसे अटैच हो जाए। बहुत ही मामूली सा इसको अटैच करना है ताकि सिर्फ उतरे ना बहुत ही। और इसी सिलाई को अपने लगा देंगे यहाँ पर, हाथों से सिलाई पूरा कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एंकर सिलाई। इसके लिए हमने यहाँ पर ऐसे धागा लगाया हुआ एंकर का, उसको यहाँ पर लपेट लेंगे। ये धागा आपको मार्केट में काफ़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, उसको बोलते हैं एंकर धागा।
इसको हमने इसे नॉर्मल तरीके से हमने इस पर लपेट लिया। इसे लपेटने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरह से मैंने थोड़ा इसको धागा थोड़ा लूज कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा जो धागा होता है ये नॉर्मल धागा थोड़ा मोटा होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसको लूज़ करके इसको लगाएंगे सिंपल तरीके से, जैसे लगाया जाता है ऐसे। तो नीचे लगा लेंगे और जिस कलर का धागा हम नीचे लगाएंगे उस कलर के ऊपर रील लगाएंगे, उसको यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा टाइट कर देंगे इस तरह से। नीचे का धागा लूज़ करना है और ऊपर का टाइट करना है इस तरह से। अब इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से इसमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे हम अपनी अपने पीस पर इस तरह से। ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं, ये हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे बहुत ही फिनिशिंग और आहिस्ता के साथ। इस तरह से हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा दी है सीधी ऐसे, और ये हमारी बहुत सुंदर इस तरह से सिलाई यहाँ पर लग गई है। और ऐसे ही हम इस पर जो हमारा बाकी का जो एरिया है इसको भी इस तरह से सिलाई लगा इसको कवर कर देंगे हम इस तरह से। इसमें हम करीब दबाव रखें, करीब बीच में जो हमारा गैप है ये करीब आधा सेंटीमीटर का उसमें यहाँ पे गैप रखा है। और इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई वैसे ही कंप्लीट कर देंगे पूरे पीस पर। और इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सुंदर से सिलाई लगा दी है, बहुत हमारा जैसे डिजाइन कम्प्लीट हो जाएगा हो गया है। अब इसके बाद हम इसको एक कपड़ा लेंगे इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये इस पर सिलाई लगाएंगे हम पाइपिंग वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है, पाइपिंग बनानी है इस तरह से। हम अपने करीब इतनी बुकरम को हमने इसे यहाँ पे ऐसे कवर कर दिया है। इसके बाद इसको हम ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमाया और इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दें, ऐसे घुमाने के बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे और ये हमारा बहुत सुंदर पाइपिंग यहाँ पर इस तरह से उभर कर आएगी इस तरह से। ये हमारी बहुत सुंदर पाइप यहाँ पे ऐसे बन गई है। अब इसके बाद हमें एक सिलाई यहाँ पे ऐसे लगानी हो घुमाने के घुमाकर, क्योंकि हमारा पीस यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर सिलाई इसको अटैच कर देंगे हम नीचे वाले कपड़े पर। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको सिलाई लगाने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे इस तरह से। और ये इसको पीस अटैच कम्प्लीट करने के बाद इसको मैं अपने बहुत सुंदर इस तरह से इसको मैं नेक में अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको रखेंगे जो हमारी सिलाई है ये सिलाई है इसको हमारा ये मार्क का काम करेगी इस तरह से। इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे अपने सिलाई को यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने पीस को इसमें हम अटैच करेंगे इस तरह से। ऐसे हम अपने पीस में यहाँ पर अटैच करेंगे। ये जो हमारी सिलाई है जो हमारा मार्क का काम करेगी वाली सिलाई, इसको हम यहाँ पर इस तरह से अपनी पाइपिंग के बराबर में ऐसे रखेंगे ताकि हमारी सिलाई इसमें दिखाई भी ना दे, हल्का सा इसको कवर कर देंगे ताकि सिलाई बहुत कम दिखाई दे। और इस तरह से हमारा बहुत सुंदर पीस में अटैच हो गया है। इसके बाद जो हमारा मेन काम है हम आपको भी बताएंगे क्या इसमें एक ज़रूरी काम इसके बाद इसको करेंगे। और इस तरह से पहले हम यहाँ पर सिलाई को इसे कम्प्लीट कर देंगे और इस तरह से हमारा पीस यहाँ पे इसे अटैच कर दिया। इसको अटैच करने के बाद हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे एंकर सिलाई, वो हम आपको दिखाते हैं। ब्लैक कलर से सिलाई बहुत सुंदर हमारे डिजाइन बन जाएगा, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। इसको हम इसको सिलाई लगाने के बाद लगाने के लिए इसको इसे उल्टा करेंगे। इसको हमें से सिलाई और लगानी होती है जहाँ पर हमें सिलाई लगानी होती है उसको नीचे इस हिस्से को नीचे रखते हैं और इसको हमें उल्टे कपड़े पर इसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हम यहाँ पर इसे सिलाई लगाएंगे इसमें इस तरह से और ये बहुत सुंदर से डिजाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है, यहाँ पाइपिंग हो गई, बहुत सुंदर से लुक आएगा इस तरह से। इस तरह से जो हम यहाँ पर इस तरह से अपने पूरे नेक पर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे और बहुत सुंदर से हमारा डिजाइन बन जाएगा। और अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। और इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन बहुत सुंदर से तैयार हो गया है। यहाँ पे सिलाई लगा दी राउंडली। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके, कटिंग स्टिचिंग। वेल थैंक यू, वेलकम अगेन।